गाइज हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। हम लोग आज कर रहे हैं ये आपको सेक्टर 30 गुड़गांव में, ये बेसिकली 3 BHK है। लेट स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम दी लॉबी एरिया। ये इसका लॉबी एरिया हो गया जो कि आप देख सकते हो, डिजाइन काफी अच्छा है इसका, काफी बड़ा सा ये इसका लॉबी एरिया है। ये किचन एरिया हो गया ये वाला, और ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया, मास्टर बेडरूम, और दो बेडरूम इधर हो गया। लेट स्टार्ट दी वीडियो फ्रॉम दी फर्स्ट बेडरूम। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि इसमें जो पहला बेडरूम इसका है, ये इसका ये हो गया फर्स्ट बेडरूम, जो कि आप देख सकते हो इसका फर्स्ट सीलिंग का डिजाइन काफी अच्छा है, काफी अच्छा डिजाइन है। ये अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, बट प्री बुकिंग आप कर सकते हो इसको। और इसमें सारे में मार्बल लगी हुई है फ्लोर में, काफी बड़े साइज की ये रूम है जो कि आप देख सकते हो, और फॉल सीलिंग का डिजाइन भी काफी अच्छा है इसका। इसका फर्स्ट बेडरूम ये हो गया फर्स्ट बेडरूम, इससे अटैच ये वॉशरूम है जो कि आप देख सकते हो, इसमें भी काफी बड़ा साइज का ये, और इससे अटैच ये बालकनी है, फ्रंट बालकनी जो कि आप देख सकते हो, व्यू काफी अच्छा है फ्रंट बालकनी का। सेक्टर 30 गुड़गांव का है ये इसका बालकनी हो गया जो कि आप देख सकते हो, बालकनी काफी बड़ा है इसका। और मूविंग ऑन टू द लॉबी एरिया, ये इसका लॉबी एरिया हो गया जो कि आप देख सकते हो कि हॉल सीलिंग का डिजाइन काफी अच्छा है, हॉल का साइज भी काफी बड़ा है, इसमें मार्बल लगी हुई है जो कि आप देख सकते हो, और इसमें भी फॉल सीलिंग का डिजाइन दिया हुआ है, और इसमें भी अटैच बालकनी है फ्रंट बालकनी जो कि आप देख सकते हो, और इसका बालकनी हो गया, और सामने का व्यू हो गया ये। मूविंग ऑन टू द किचन एरिया, ये इसका किचन एरिया हो गया जो कि आप देख सकते हो, अभी किचन का ये स्पेस छोड़ा है इन्होंने, बट किचन का साइज काफी बड़ा है, इसमें भी आपको मार्बल लगेगी, टाइलें लगेंगी, और ये इसका फॉल सीलिंग हो गया। इस फ्लोर को आप भी बुक कर सकते हो, प्राइस एंड ऑल सारा मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहां से चेकआउट कर लेना। ये इसका जस्ट यहाँ भी मार्बल का डिजाइन है, ये कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ भी मार्बल है। ये सेकेंड बेडरूम हो गया, इसमें भी फॉल सीलिंग बनेगा, और रूम का साइज आप देख लो कितना बड़ा है, इसमें मार्बल लगी हुई है, बालकनी बैक साइड की बालकनी इससे अटैच्ड है। ये इसका किचन, ये इसका हो गया वॉशरूम, वॉशरूम का साइज भी देख लो कितना बड़ा है, इसमें बनी हुई है ये फॉल सीलिंग के लिए, फ्रेम यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये इसका हो गया इससे अटैच्ड ये बैक साइड का बालकनी हो गया जो कि आप देख सकते हो, काफी बड़ा बालकनी है ये। और यहाँ का जगह इन्होंने इतना छोड़ा हुआ है यहाँ पे, मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, ये इसका थर्ड बेडरूम है, इसमें भी फॉल सीलिंग का डिजाइन दिया हुआ जो कि आप देख सकते हो, और यहाँ भी आपको मार्बल लगी हुई है, रूम का साइज भी काफी अच्छा है इसका, यहाँ पे बड़ी सी आपको ग्लास लगेगी, इधर इधर आपका डोर रहेगा, और ये आपको हो गया अटैच्ड इससे वॉशरूम जो कि देख सकते हो आप, साइज इसका भी काफी बड़ा साइज है। साइज काफी बड़ा है इस वॉशरूम का भी, इसमें भी फॉल सीलिंग बनेगा, ये इससे अटैच्ड बैक साइड बालकनी हो गया जो कि आप देख सकते हो, और ये हमारा पीछे का व्यू हो गया, बैक साइड का व्यू हो गया, ये यहाँ स्पेस इन्होंने छोड़ा हुआ है, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट आप मतलब कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। ये इसका बैक साइड का व्यू हो गया, प्रॉपर एयर प्रॉपर लाइट आएगी आपको, इसका डोर का डिजाइन हो गया देखने में काफी अच्छा है ये भी,
डोर का डिजाइन, ये भी डोर का डिजाइन काफी अच्छा देखने में है जो कि आप देख सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स 3BHK सेक्टर 30 गुड़गांव। प्राइस इन ऑल मैं सारा कुछ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा लगा ये वीडियो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।